हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। जैक स्नाइडर कट जस्टिस लीग जो कि फाइनली रिलीज हो चुकी है, ये सिर्फ इंग्लिश में हुई है। ओवरऑल लेंथ है 4 घंटे 2 मिनट। अब मैं बात करूंगा इस मूवी के प्लॉट की, वो उनके लिए जिन लोगों को जस्टिस लीग के बारे में घंटा नहीं पता है। तो एकदम सिंपल में बताऊँ तो यहाँ पर 3 मदर बॉक्सेस है और उन बॉक्सेस में बहुत ज़्यादा पावर्स है। अब ये बॉक्स 3 अलग अलग लोगों के पास है। पहली बॉक्स है अमेजोन्स वालों के पास, दूसरी बॉक्स है एटलांटिक्स वालों के पास और तीसरी है इंसानों के पास। तो जो विलन है उनको ये बॉक्सेस चाहिए और हमारे जो पर हीरोज है वो किसी भी हाल में ये बॉक्सेस उन विलन्स के हाथ में ना लगे वो लोग पूरी कोशिश करते। तो क्या वो लोग इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? बेसिकली ये इस पूरी मूवी की कहानी है। जो लोग इस मूवी को टाइम वेस्ट बोलेंगे या जो लोग बोरिंग बोलेंगे, जो लोग ये बोलेंगे कि भाई 4 घंटे 2 मिनट बहुत ज़्यादा लेंथ है, तो वो भाई आपको बेवकूफ़ बना रहे। सच बताऊँ, अगर आप लोग मेरे रिव्यूज़ देखते हो, अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ पसंद करते हो, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई 4 घंटे की मूवी जब आप देखने बैठोगे तो आपको लगता है कि सिर्फ 2 घंटे की मूवी है। इतनी अच्छी तरह से इस मूवी को बनाया है और इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान की तारीफ़ करना चाहिए, वो है जैक स्नाइडर। और मैं उनको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। हालांकि मूवी से पहले वो फैंस को थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन एज अ फैन मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि सर आपकी वजह से एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमको मिला और हम जिस चीज़ का वेट 2017 से कर रहे थे वो फाइनली आज पूरा हुआ है। और आप मेरी बात मानो, जब ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी थिएट्रिकल कट, तो वो मूवी को इतना शॉर्टकट वे में बना दिया गया था कि जो जो मज़ा था वो मज़ा पूरी तरह से मार दिया था। लेकिन आज जिस मूवी को मैंने देखा है ये टोटली डिफरेंट मूवी है उस थिएट्रिकल कट से। इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि इसका स्टार्ट भी अलग तरीके से होता है और उसका एंड भी अलग तरीके से होता है। और मूवी में जो जो चीज़ें वक्त लेकर बताई है वो बस आपकी नज़र स्क्रीन पर रखती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि DC इज बैक। अगर ये पर्टिकुलर मूवी जैक स्नाइडर 2017 में बनाते ना, आज DC को इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, उल्टा मार्वल से भी आगे होता। जो जो रीशूट्स किए हैं वो आप लोग फील कर पाओगे, स्पेशली जो एक्शन सीन्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वंडर वुमन का जो एक्शन सीन था, अगर आप वो थिएट्रिकल कट देखोगे, मैंने क्योंकि दोबारा से दोनों मूवी देखा हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब सीन मुझे याद है। तो अगर आप लोग वो थिएट्रिकल कट मूवी देखोगे और इस जैक स्नाइडर कट को देखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे भाई सीन में ऐड किया है रीशूट करके और जो BGM है वो भी ऐड किया है और उससे जो मज़ा है वो दुगना होता है। और ये सिर्फ वंडर वुमन के साथ नहीं हुआ, बाकी इसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंस बताए सबको लिटरली फिर से रीशूट किया है या तो फिर उसमें सीन्स ऐड किए। और जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स के लिए तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि फ्रेम सेम है जो थिएट्रिकल कट था उससे, एकदम फ्रेम सेम है, लेकिन चीज़ें जो जो इसमें डाली है वो आउटस्टैंडिंग है। और वही सारी चीज़ें हमको चाहिए था जो कि फाइनली अब हमको देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो भाई हर एक कैरेक्टर को फिर से बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, सीन से डाले गए। लेकिन साइबॉर्ग यानी कि विक्टर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में जो जो चीज़ें बताई है वो हमने थिएट्रिकल कट मूवी में भी नहीं देखी थी। और उससे रिलेटेड आगे जो जो चीज़ें होती हैं इस मूवी में वो आपको इमोशनली करती है। और मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सेकेंड, फ्लैश के कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया जो आज से पहले आपने DC में नहीं देखा था, सच बता रहा हूँ। और ये देखने के बाद जो फ्लैश की अपकमिंग मूवी है उसके लिए मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। और समझ लो क्लाइमैक्स में ना साइबॉर्ग, फ्लैश और सुपरमैन इन तीनों का खेल है भाई। और जो ज़बरदस्त तरीके से शूट किया क्लाइमैक्स ना यार, मज़ा आ गया, सच बता रहा यार। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और अगर मैं ब्रूस वेन या तो बैटमैन आप कह सकते हो उनकी बात करो तो उनके कैरेक्टर को भी बहुत ही डिटेल में उनके कैरेक्टर को भी बताया। हाँ, एक्वामैन की बात करो तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई है, बस वो जो थिएट्रिकल कट में था बस वही सारी चीज़ें यूज़ किए, बस एक दो सीन एक्स्ट्रा डाले। बाकी अब बात करेंगे सुपरमैन की, तो भाई ब्लैक सूट में जो तबाही, जो आफत मचाया क्लाइमैक्स में सुपरमैन ने, मज़ा आ गया भाई, सच में मज़ा आ गया। और रही बात वंडर वुमन की जो कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, तो उनकी दोनों सोलो मूवी साइड में रखो और इस पर्टिकुलर मूवी में अगर आप इनको देखोगे ना तो इससे ज़्यादा डेडलीस्ट सुपर हीरो आपको इस पर्टिकुलर मूवी में कोई देखने को ही नहीं मिलेगा। और सबसे गजब के जो सीन्स है वो सिर्फ और सिर्फ वंडर वुमन के लगे मुझे इस पर्टिकुलर मूवी में। और कहानी पर फोकस किया है, वो नहीं कि बस 2 घंटे की मूवी बना के आपको कच्चा पक्का माल बना के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। हर एक चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया और VFX बहुत ही बढ़िया किया। और स्पेशली
स्टेफन वुल्फ। उनका रीडिजाइन है ना, वो ज्यादा स्कैरी लगता है, ज्यादा अच्छा इफेक्टिव लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ यार ये विलेन में कुछ दम है। वरना अगर आप थिएटरिकल कट के स्टेफन वुल्फ को देखोगे तो वो हाँ था, मगर वो इस लेवल का नहीं था जो आपको यहाँ पर देखने को मिला। उसके अलावा भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जस्टिस लीग हमें और भी मूवीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर ये मूवी ख़त्म हुई और जो इसके क्रेडिट सीन्स है वो तो भाई पैसा वसूल है, और वो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का दिमाग घूमने वाला है। कुछ कैमियोज़ भी है जो मैं यहाँ पर सरप्राइज के हिसाब से नहीं बोलूँगा, आपको तो पता होगा किसका कैमियो है, लेकिन उसके अलावा और भी कैमियोज़ है जो आप लोग बाद में ही देख लेना, पूरी मूवी ख़त्म होगी तो मैं अभी सब बता दूँगा तो आप लोग क्या देखोगे। मैं तो भाई एज अ फैन या एज अ रिव्यूअर आप जो भी बोलो, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, वर्थ वॉच लगी, और जो एज अ फैन हम लोग चाहते थे वो हमको इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिला। हर एक चीज़ VFX बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी तरह से की है, BGM बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत गजब की है, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में ये मूवी आपका दिल जीत लेगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके लिए नेगेटिव बोलने के लिए। तो यार बस ये तो मेरा एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू था। अब देखते हैं कि आने वाले कल में हमें जस्टिस लीग में कौन सी मूवी देखने को मिलती, जो कि डेफिनेटली हमें देखने को मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।